नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। यूक्रेन में है फरीदाबाद जिले के 117 विद्यार्थी, जिनमें से 51 की हो चुकी है घर वापसी, बाकी भी शीघ्र लौटेंगे। यूक्रेन में फंसे फरीदाबाद जिले के बच्चों के बारे में जानकारी साझा करते हुए डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने खास बातचीत में बताया कि उन्हें उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार फरीदाबाद के कुल 117 बच्चों की लिस्ट उन्हें मिली थी, जिसमें 113 बच्चों के परिजनों से संपर्क कर लिया गया है, जबकि 4 बच्चे अन्य राज्य व अन्य जिलों से थे। उन्होंने बताया कि अब तक 51 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं और आज शाम तक 8-10 बच्चे और पहुंचने की उम्मीद है। शेष बच्चे भी जल्द वापस आएंगे। नहीं, फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद के टोटल जो MEA से हमारे पास डाटा आया है 117 बच्चे, और हरियाणा सरकार से जो हमें आदेश मिले थे, डिवीजन कमिश्नर और हमारे रेजिडेंस कमिश्नर संजय जून सर हैं, वो इसके नोडल अधिकारी हैं, तो उनके निर्देशों के बाद जो डायरेक्शंस आई थी, 117 के 17 जो बच्चों के घर पे हमने विजिट किए हैं, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीनियर ऑफिसर्स ने पर्सनली वहाँ जाके उनके परिवार वालों से मदद की है। 117 में से 113 घर हमने विजिट कर लिए हैं। 4 बच्चे फरीदाबाद जिनका एड्रेस था वो गलत था, एक नासिक से था, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट से था, एक रेवाड़ी में शिफ्ट हो गए, एक गुड़गांव में। 113 हमने कल शाम को 2 तारीख को शाम तक सभी फैमिलीज मेंबर्स को कनेक्ट कर लिया है। 113 में से कल जो हमने डाटा कंपाइल किया था, 51 बच्चे जो हमारे फरीदाबाद के बच्चे थे वो अपने घर आ चुके हैं। बाकी आज भी मेरे ख्याल से 8 से 10 बच्चों को आने की उम्मीद है, उनकी भी कि वो जब यहाँ लैंड करें तो उनका स्टे और उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, वो डिवीजन कमिश्नर साहब, रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भी है, वो उनकी टीम बिल्कुल उस पर निरंतर ध्यान रख रही है। और कोशिश यही है भारत सरकार की भी और हरियाणा सरकार की कि जो भी हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुँचे। यूक्रेन में तिरंगे के आगे फेल हो जाती है AK-47। जी हाँ, ऐसा कहना है यूक्रेन से भारत लौटे पवन गौड़ का। उन्होंने कहा कि इसी के चलते संभव हो पाई मेरी वतन वापसी। सर, मेरा नाम आदित्य गौर है सर, मैं बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ सर। सर, मैं यूक्रेन के डिनिप्रो सिटी में रहता था सर, वहाँ से सर हंगरी बॉर्डर का मेरा सफर हुआ है सर। वहाँ से हंगरी बॉर्डर 1500 किलोमीटर है सर, 1500 किलोमीटर सर। सबसे पहले मैं 8 बजे सुबह रेलवे स्टेशन पर बैठा, वहाँ पर सर रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी है 20 घंटे की सर। सर, सुबह से लेकर रात तक मैं बैठा हूँ, तो सर रात 3-4 घंटे सुबह से लेकर रात तक मैं बैठा हूँ सर। उधर फिर मैंने ट्रेन पकड़ी है 20 घंटे के लिविव तक के लिए सर। हम सारे बच्चे नीचे बैठ के आए, हमने ज़्यादा जो भी था हमारा 1-2 दिन का खाना वो हमने लिया है। 27 फरवरी को सर मैं बैठा सर, वहाँ ट्रेन से फिर हमने बस करी है सर आगे लिविव से हंगरी बॉर्डर के लिए सर। हंगरी बॉर्डर वहाँ पहुँच कर सर, वहाँ हमें 25 से 30 बार आर्मी ने रोका गया सर। उधर 200-300 लोग हमें रोक कर खड़े हो जाते थे, बट हमें फ्लैग और अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाने से और डॉक्यूमेंटेशन देखने से सर हमें आगे भेज दिया जाता था सर। ये बहुत बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है मेरे पास, इंडियन, मैं इंडियन हूँ, इसी बात का बहुत बड़ा फ़ख्र है सर। क्योंकि इंडियन सर, इंडियन फ्लैग, इंडियन पासपोर्ट की ताकत सर मैं आज जान रहा हूँ सर। ये पूछना था कि क्या क्या परेशानी हुई बच्चे को, क्यों शहर में रहते हैं, शहर के एक विधानसभा के मंत्री होने के नाते भी हमारा फर्ज बन जाता है हर घर को, हर परिवार को दुख सुख को पूछना, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर और प्रदेश में मनोहर लाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पर बहुत बहुत भरोसा है। और भरोसे के कारण हम लोग, पूरा देश आज सेफ है, सुरक्षित है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। हमें भरोसा था कि हमारे किसी बच्चे को आँच भी नहीं आएगी, और जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं, जो आ रहे हैं अभी, आज करीब 2000 बच्चे और पहुंचने वाले हैं, सब सुरक्षित हैं। फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई। इस बार निशाने पर था रोड एंड सेफ्टी विभाग में तैनात क्लर्क। लाइसेंस देने की एवज में मांग रहा था 5,000 रुपए की रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार। विजिलेंस विभाग की गिरफ्त में दिखाई दे रहा आदमी मंजीत है, जो कि फूड एंड सेफ्टी विभाग में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात है, जिसने 100 रुपए के काम की अवज में 5,000 रुपए की रिश्वत,
ग्रेटर फरीदाबाद के रहने वाले वरुण से मांगी थी। दरअसल वरुण अपनी टिफिन सर्विस का एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा था, लेकिन जोमैटो के साथ कार्य करने के लिए उसे फूड एंड सेफ्टी विभाग से एक लाइसेंस लेना अनिवार्य था। वहीं वरुण ने कई दिनों तक फूड एंड सेफ्टी विभाग के कार्यालय में चक्कर काटे। इस कार्य के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत लगातार मांगी जा रही थी। पैच। इसके बाद वरुण ने फैसला कर लिया कि इस पूरे मामले की जानकारी विजिलेंस को देंगे। विजिलेंस विभाग ने अपना जाल बिछाकर इस क्लर्क को रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विभाग की तरफ से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और देखने वाली बात यह होगी कि इस रिश्वतखोर क्लर्क के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे हुआ था, टिफिन सर्विस का काम शुरू करना था, तो उसके लिए जोमैटो वाले ने बोला भाई फूड लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, तो जिसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिस है अपना बीके हॉस्पिटल में, वहाँ गया था मैं। मंजीत भाई मिला था मेरे को वहाँ पे, तो 100 रुपये की पर्ची कटती है जिस की सिर्फ। तो इन्होंने मेरे को बोला भैया आपका वाटर टेस्ट होगा, हम मौके पर आएंगे, देखेंगे चीनी में नहीं है कि नहीं है, अगर कुछ ऐसा दिक्कत आती है तो उसमें बहुत दिक्कतें आ जाती है, तो आपका सारा काम हम घर बैठे बैठे करा देंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो उसके लिए बोले फिर 5,000 रुपये लगेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैं 5,000 रुपये तो देखो जी कौन दे रहा है इतने छोटे से काम के। फिर मैं विजिलेंस आया, विजिलेंस में कंप्लेंट करी, मुझे ऐसी बात है 100 रुपये काम के 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर इसकी जो भाई है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो आप? मैं सेक्टर 86 में। फिर क्या कार्रवाई की जा रही है विजिलेंस विभाग की तरफ से? गिरफ्तार हो चुका उसके हाथ बात धुल गया, अब गिरफ्तार हो गया, बंद हो गया। बल्लभगढ़ में निजी बस चालकों और ऑटो ड्राइवर्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। निजी बस चालक सड़क पर ही गाड़ी रोककर उसमें सवारी भरने लगते हैं, जिससे हमेशा भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि पुलिस प्रशासन और आरटीओ की तरफ से इनके चालान काटे जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। हरियाणा रोडवेज को हर महीने लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। वैसे तो हरियाणा सरकार अपनी रोडवेज सुविधा को बेहतर करने में लग रही है, परंतु हरियाणा रोडवेज बसों को जो पर्याप्त सवारी नहीं मिलती, तो ऐसे में हर साल लाखों करोड़ों का घाटा होना तय है। और इसकी खास वजह है ऑटो चालकों और प्राइवेट बस वालों की मनमानी। रोड पर खड़ी कर रखी थी, तो आम जनता के आम दौर पर बात डाल रही थी, या तो मुकदमा दर्ज करूंगा या इनका चालान करूंगा। डेली हम 10 या 15 बसों का डेली चालान करते हैं, लेकिन यहाँ बसों का और ऑटोओं का आवागमन काफ़ी है, और यहाँ मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और ISBT तीनों का संगम होने के कारण लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती है, इस वजह से साधन भी ज़्यादा हैं। सबको हिदायत दी गई है कि बस अड्डे से ही भरें और बस अड्डे से ही खाली करें, नहीं सुनते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। और पुलिस के साथ साथ RTA विभाग और बस अड्डा स्टाफ और हाईवे स्टाफ भी मिलकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज 5-6 बसों का पोस्टल चलान किया है और 2-3 बसों का IBA खड़ी कर रखी है, उनके हम मोटर व्हीकल एक्ट के चलान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। पूरे देश और प्रदेश में छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि वो किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। इसी के चलते फरीदाबाद के CJM मंगलेश कुमार चौबे ने स्कूलों में जाकर जानकारी देनी शुरू कर दी है। मंगलेश कुमार चौबे का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जिन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, ऐसे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि इन्हें किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। यदि कोई इन्हें ज़्यादा पर्सनलाइज करता है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने माँ बाप, उसके बाद अपने टीचर और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इससे इन घटनाओं में काफ़ी अंकुश लगेगा। मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि वे लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों को समझा रहे हैं कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर है, यदि कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और उनका ये कदम आगे भी जारी रहेगा। बहुत फायदा लगता है, इससे हमारी सुरक्षा की जाती है, गर्ल्स आगे बढ़ने के लिए अपना कदम उठाती हैं। और बस आज जो जानकारी मिली है और बच्चों से साझा करेंगे, और भी अपने साथियों को, अपने जो दोस्त हैं उनको बताएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। यस अपने साथियों को बताएंगे कि वो सभी बातें शेयर करें अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, और कुछ बात छुपानी नहीं चाहिए बड़ों से। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच वी कैन चेंज आवर वर्ल्ड।
नेल्सन मंडेला की ये कथनी तो आप सभी ने सुनी होगी, पर इस कथनी पर बखूबी उतरी है मिशन जागृति की टीम। कोविड में मास्क के बारे में बताना हो या शिक्षा का महत्व समझाना हो, हर बार आगे आई है मिशन जागृति की पाठशाला। महाशिवरात्रि के पर्व पर राहुल कॉलोनी में मिशन जागृति की पाठशाला में हुआ फल वितरण का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान न्यूज एनसीआर की टीम भी मौजूद रही, साथ ही कार्यक्रम में एडी स्कूल के फाउंडर डॉक्टर सुभाष सोरायन ने भी शिरकत की। हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार किया। ये पाठशाला है और जो मिशन जागृति के बहुत सारे लोग हैं वो ज़्यादातर आपके विद्यार्थी रहे हैं, तो आपने इतना अच्छा इंसान उनको बनाया है और कहा जाता है कि शिक्षक कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज की नींव रखता है, तो आपको कैसा लगता है जब मिशन जागृति ऐसा कार्य करती है? तो देखिए, जीवन में दो लोग हैं जो हारना चाहते हैं, एक पिता और एक गुरु। जब इन बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे मुझसे आगे जा रहे हैं। इतना अच्छा समाज में मिशन जागृति काम कर रही है कि मुझे इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने काम किया, मेहनत की है, वो सफल हुई है। पहली खुशी तो मुझे ये है। दूसरी बात ये है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, कोई प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। जहाँ यहाँ आने का मकसद है, मैं एक बात और कह दूँ कि नर मरे कुछ काम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे। आदमी मरता किसी काम का नहीं, जब तक वो दान ना करे तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन पशु मरता है तो हजारों काम करता है, कितने काम आता है। तो ये हमें सीखना चाहिए उनसे कि हम इन मानवता की कितनी सेवा कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि है, देखिए मैं ना मंदिर गया, ना मैंने शिव जी को जल चढ़ाया, ना मैंने कोई वो तिलक तलक कुछ किया। मुझे लगता है कि सीधे सीधे वो मेरे पे लाते हैं, दो बच्चों के चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और इन बच्चों के बीच में शंकर भोले साक्षात दिखाई दे रहे हैं, काम करेंगे। थैंक यू सर। जो आपने पेड़ लगाया था वो फल देने लगा है, निश्चित तौर पर आप हर्ष महसूस करते होंगे कि जो आपने फल ये पेड़ जो लगाए थे मिशन जागृति के, जितने भी ये स्तंभ हैं वो आज समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं। क्या आपका समाज के प्रति क्या संदेश है कि वो क्या करें इन चीज़ों को लेकर? देखिए, इंडिविजुअल बात करूं मैं तो मैं ब्याज खा रहा हूं, जो मैंने लगाया था मैं उसका ब्याज खा रहा हूं और मैं इंजॉय कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, कम लोग काम नहीं कर रहे। समाज के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जो काम कर रहा है, लेकिन और लोगों को भी जुड़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत अभाव है, बहुत कमियां हैं, बहुत दिखते हैं, लेकिन सब मिलके हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम में मौजूद मिशन जागृति के फाउंडर परवेश मलिक ने बताया कि मिशन जागृति को शुरुआती 5-6 वर्ष तो एडी स्कूल के पूर्व छात्रों ने ही चलाया। आपकी यहाँ मिशन जागृति पाठशाला चल रही है और आपको ये सब प्रेरणाएं अभी सुभाष सर ने बताया है कि आप उनके छात्र रहे हैं और ऐसे हम जो स्लम हैं हमारे उनमें आपकी पाठशालाएं चल रही हैं, तो पहले तो आप इस पाठशाला के बारे में बताइए और मिशन जागृति के उद्देश्यों के बारे में बताएं, फिर हमें बताएं कि कितनी पाठशालाएं आप और चला रहे हैं। शुक्रिया ब्रिज और पूरी न्यूज एनसीआर टीम का, आप लोग हमेशा ही सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, साथ रहते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मिशन जागृति के जितने भी फाउंडर मेंबर थे, शुरुआत के जो थे, वो सारे के सारे एडी स्कूल में पढ़े हुए हैं। दूसरा, और उसके बाद जितने और वॉलंटियर बने, तो शुरुआत के 5-6 सालों तक तो 100% एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हम लोग विद्यार्थी रहे। उसके बाद आते हैं हम इस पाठशाला में, तो सर का एक बार हम जब पढ़ रहे थे तो सर ने एक बार कहा था कि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जो गरीबी के दलदल से आपको बाहर निकाल सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने फरीदाबाद में ऐसी जगहों को चिन्हित किया है, ढूंढा है। अभी फ़िलहाल कोरोना काल के बाद में 4 पाठशालाएँ हमारी चल रही हैं, 2 यहाँ राहुल कॉलोनी में है, 1 बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में है और 1 पाठशाला 4 हमारी जैसी हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं पेट्रोल पम्प के साथ में, जो घर टूट गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर है। तो मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इनको शिक्षा के द्वारा इनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। वहाँ मौजूद तमाम वॉलंटियर्स ने बताया कि गरीबी के दलदल से निकलने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए शिक्षा का कितना अहम रोल है। एक साथी जो आप हमेशा देखते होंगे और मैं कहूँ कि वो मिशन जागृति की रीड हैं, राजेश भूटिया, उनसे जानना चाहेंगे कि सर आप मिशन जागृति के साथ जुड़े तो जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा है और ये सब करने के बाद में, कहते ना कि अच्छा काम करते हैं तो शाम को नींद अच्छी आती है, तो आपको कैसा लगता है इन सब? हमारा काम, मेन उद्देश्य है पब्लिक को जागरूक करना,
हम किस तरीके से उनको जागरूक कर सकते हैं। मिशन जागृति का मेन उद्देश्य पब्लिक को जागरूक करना, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो या सफाई के माध्यम में हो या हमारे जैसे हम सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाते हैं उनके माध्यम से, तो उन सिलाई सेंटर के माध्यम से आत्मनिर्भर भी औरतों को हम बना रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। तो इस तरीके के लोग हम लोग काम करते रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से और पब्लिकों को हम जोड़ना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ। और ये ऐसी जगह पे जहां लोग आना पसंद नहीं करते वहां पे हम लोग आते हैं और शिक्षा देते हैं, उनको कढ़ाई बुनाई चीज़ सिखाते हैं और जो बच्चे इनमें से पढ़ जाएंगे थोड़ा अच्छा सीख जाएंगे उनको स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं ताकि और आगे पढ़ सके। और इनको ये चीज़ ज़रूर सिखाते कि भाई जो आप पाठशाला में सीख के जा रहे हो वो अपने घर पे ज़रूर बताएं, ताकि क्योंकि इनके माँ बाप भी थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और उनका घर का नेचर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, जब उनका चेंज हो जाएगा बच्चे ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी ब्रिज मोहन ने वहाँ मौजूद बच्चों से मुलाकात की। वहाँ बच्चों से मिलने के बाद ये सामने आया कि वहाँ मौजूद बच्चे बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, साथ ही बच्चों ने अपनी कविताएँ सुनाई और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मनाया गया विश्व श्रवण दिवस। आज 3 मार्च को 4 साल से WHO हम वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहे हैं। इसको हम इस तरह से मनाएंगे कि हमने जनता में जागरूकता जगाने का हमने ये स्टार्ट किया है कि कान को अगर हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें तो हम लाइफ लॉन्ग अच्छा सुन सकते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कान में कुछ बर्ड या तीली वगैरह ना डालें, रोज़मर्रा में हम लोग अक्सर डाल लेते हैं। दूसरा, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ जो आती है उससे बचें ताकि कान का हम हियरिंग हमेशा बचा के रखें। अगर हम नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहना चाह रहे हैं तो कान को बंद रखें, ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, छोटे बच्चे अपनी वैक्सीनेशन हमेशा पूरी रखें ताकि जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनसे जो सुनाई में दिक्कत आती है उससे हम ज़रूर बच पाएँ। कान का कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों में, जैसे माएँ बच्चों को लेट के दूध पिलाती हैं उसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो हम ज़रूर बचा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस बता के कि जितना हो सके बिठा के दूध पिलाएं तो कान ख़राब नहीं होगा। और अगर कान से पानी भी आता है तो बच्चे में, स्कूल में टीचर्स जो बच्चे जान रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास भेजें ताकि इलाज से कान ठीक हो पाए। इवन सर्जरी भी है तो माइनर है तो हम कान ठीक कर सकते हैं, तो आके मिले ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं ताकि कान सही हो सके। हमारे आज के कार्यक्रम का मोटिव ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए, वो जल्द से जल्द आकर अपने आप को दिखाएं जिससे कि उनकी बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़कर उसका निवारण किया जा सके और वो बीमारी तेज़ी से ना बढ़े। हम वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में 432 मिलियन अडल्ट्स और 34 मिलियन बच्चे हियरिंग से अफेक्टेड हैं, इसमें 6.3 मिलियन इंडिया के अंदर हैं। इनमें 50% तक की डेफनेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम उनको अर्ली डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट कराएं। इसके मेन कारण क्या है? एजिंग, नॉइस एक्सपोजर, ईयर ट्रॉमा, जेनेटिक और वायरल डिजीज। सिम्टम क्या होते हैं इसके अंदर? नॉर्मली कम सुनाई देना, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, कान के अंदर आवाज़ सुनाई देना तरह तरह की, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, आवाज़ समझ नहीं पाना जो कह रहा कहा जाता है, पेन या डिस्चार्ज ईयर के अंदर शुरू हो जाता है। इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अर्ली ट्रीटमेंट, अवॉइड गेटिंग ईयर क्लीन बाय अनट्रेंड पीपल। बाहर लोग बैठे होते हैं उनसे जा जाके हम हमारे कानों को साफ कराते हैं, वो कान में ट्रॉमा कर देते हैं, उससे हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ नॉइस वाली जगह पे हमें अवॉइड करना चाहिए, उनकी वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। और गंदे पानी के अंदर एंटर होना अवॉइड करना चाहिए, गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन होकर भी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इस तरह यदि हम सारी प्रिकॉशन लें, प्रिवेंशन लें, अर्ली डायग्नोसिस करें डिजीज़ का, यह तभी संभव है जब जल्द से जल्द मरीज आपके पास आए इनिशियल स्टेज में और हम उसे क्योर कर सकें और 50% डेफनेस को प्रिवेंट कर सकें।